मालकना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज चर्चा करेंगे 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन कुंभ राशि में हो रहा है, उसका क्या असर धनु मकर कुंभ और मीन में पड़ रही है, क्यों एक साथ ला रहे हैं, वो वजह भी बताएंगे। सबसे पहले बात, 29 अप्रैल दिन शुक्रवार को ये राशि परिवर्तन होगा, खास तौर से 28 से 4 जून तक कुंभ राशि में मार्गी गति से रहेंगे, 4 जून से 12 जुलाई तक वक्री होकर कुंभ में जाएंगे, फिर 13 जुलाई से मकर राशि में वक्री प्रवेश करेंगे। इस प्रकार कुंभ राशि में शनि देव 76 दिनों के लिए गोचर करने मात्र जा रहे हैं। 29 अप्रैल 2022 खास तौर से बड़ी तारीख, उसके बाद 29 मार्च 2025 तक यहीं रहेंगे, इसलिए बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ असर होगा। 141 दिन तक इस बीच वक्री रहेंगे, 5 जून से 23 अक्टूबर तक ये टाइम कॉल रहेगा, 12 जुलाई से शनि वक्री अवस्था में फिर से मकर में गोचर करेंगे और 17 जनवरी 2023 को निकल जाएंगे यहाँ से। तो खास तौर से सीधे राशि पे आऊं, 4 राशि इसलिए भैया, धनु की 7.5 खत्म हो गई, मकर कुंभ मीन 7.5 में रहेंगे, तो हमने कहा क्यों ना इन चारों को एक साथ ही बता दिया जाए, क्योंकि चारों राशियां भी दो ही ग्रहों के बीच हैं, शनि और बृहस्पति। 10-11 जो राशि है मतलब मकर कुंभ शनि की, 9-12 मतलब धनु मीन बृहस्पति देव की, बृहस्पति देव मीन में परम मजबूत रहेंगे, चीजें बेहतर रहेंगी, इसीलिए खास तौर से इसको एक साथ लेके आए हैं। ज्योतिष में शनि को दुख रोग पीड़ा नौकरी गरीब तबका लोहा तेल इन सब का कारक माना जाता है, कहीं कहीं आयु का भी बुढ़ापा का भी दुख का भी और अपमान का भी कारक माना जाता है, जिससे मैं इत्तफाक नहीं रखता, जो कि सही बात है। दासता सेवा भाव नौकरी नौकर मजदूर इन सब का भी काम उन्हीं का ही है। अब बात सबसे पहले धनु राशि की, तो खुशखबरी ये भैया कि 7.5 खत्म हो गए हैं, अब आपके राशि या आपके लग्न किससे देखना है, ये राशिफल आपकी लग्न हो या राशचंद्र राशि हो दोनों से आप देखेंगे। मान लीजिए आपकी धनु लग्न है तो देखना है, मकर राशि है तो भी। तो बात धनु लग्न की, आपके कुंडली से या धनु राशि की कुंडली से तीसरे भाव पे गोचर, तीसरे से तीसरी दृष्टि पंचम में डालेंगे, तीसरे से सातवीं दृष्टि नवम भाग पे डालेंगे, पिता पे डालेंगे और 10वीं दृष्टि 12वें पे डालेंगे, तो धनु राशि वालों का पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की होगी, भाग्य बढ़ेगा, पिता के साथ अनबन भी बढ़ेगी, ये ओवरऑल। अब सबसे पहले नौकरी व्यापार, नौकरी व्यापार में तरक्की के संकेत, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, पारिवारिक जीवन में जरूर खटपट हो सकती है किसी तीसरे की वजह से, खर्चों पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और बात अगर स्वास्थ्य की करें तो निश्चित तौर पर पेट की, गॉलब्लैडर की, किडाइजेशन की, लोअर पार्ट की ख्याल रखना। अब बात मकर राशि वालों की, तो मकर राशि वालों आपकी भाव लग्न या चंद्र राशि से दूसरे भाव में, चौथे भाव को देखेंगे, 8वें भाव को देखेंगे, 11वें भाव को देखेंगे, पैसा तो जब बढ़िया चलेगा, वाणी दोष रहेगा, वाणी की वजह से लोगों को शत्रु बना सकते हैं, इस पर कंट्रोल रखने की जरूरत रहेगी, फैमिली में डिस्प्यूट पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब डिटेल में सबसे पहले नौकरी व्यवसाय, तो नौकरी व्यवसाय में तरक्की के संकेत हैं, नौकरी व्यवसाय में नौकरी में स्टेबिलिटी आएगी, एक अच्छी नौकरी मिलेगी जहां टिक कर आप रुक सकेंगे, टिक के खेल सकेंगे, उसमें तरक्की होगी, नौकरी में उच्च पद प्रतिष्ठा 2023 से मिलने के संकेत दिखते हैं, आर्थिक पक्ष निश्चित तौर पर मजबूत रहेगा, लेकिन शनि मतलब शनै शनै धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा और बहुत बेहतर करेंगे आने वाले समय में। असेट घर गाड़ी बंगला खरीदने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं, उसी के साथ साथ आर्थिक पक्ष डबल इनकम के, डबल आय के स्रोत खुलने के संकेत देते हैं, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, लेकिन वाणी दोष से बचना है, माता पिता के बीच तनाव से बचना है, माता पिता के बीच आप तनाव ना उत्पन्न करें उससे भी बचना है, पति पत्नी के बीच अलगाव की स्थिति दिख रही है। अब बात स्वास्थ्य, सर्दी जुकाम बुखार खांसी सीजनल डिसीज, इनका ख्याल रखिएगा, निश्चित तौर पर ख्याल रखना, नहीं तो स्थिति खराब हो सकती। अब बात करें भाई कुंभ राशि वालों की, लग्न में रहेंगे
लग से तीसरे भाव को देखेंगे, सातवें भाव को देखेंगे, दसवें भाव से देखेंगे। मूल त्रिकोण राशि आपकी चाहे कुंभ लग्न हो चाहे राशि हो, बहुत मुफीद रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी, सत्ता की तरफ बढ़ेंगे, पद प्रतिष्ठा नाम शोहरत सब बढ़ेगी। सबसे पहले बात नौकरी व्यवसाय की, नौकरी व्यवसाय में भारी तरक्की के योग, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कैरियर में तरक्की होगी, नौकरी में लाभ मिलेगा, अचानक कोई नाम शोहरत भी मिल सकती है। राजनैतिक दखल, सोशल सर्किल बेहतर होगा, नौकरी में प्रमोशन, नए ऑफर के संकेत दिखते हैं। आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा, निश्चित तौर पर आसानी से रुपया पैसा आता रहेगा, आपको खास तौर से कोई नए अच्छे ऑफर, पदोन्नति के संकेत दिखते हैं, जिसके से पैसा भी बढ़ेगा, व्यवसाय से भी पैसा आएगा और आय के मल्टीपल सोर्स खुल सकते हैं। पारिवारिक जीवन छोटी मोटी उठापटक होगी, क्योंकि आपके सनकपन, आपके गुस्से, आपके हाजिर जवाबी की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक जीवन पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के रिश्तों में अलगाव भटकाव ठहराव की कमी होगी, अलगाव भटकाव बढ़ेगा, ठहराव की कमी होगी। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, जोड़ों की समस्या, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत परेशान कर सकती है, ध्यान दीजिएगा। अब बात मीन राशि, ओवरऑल मीन लग्न हो या मीन राशि हो, बारहवें भाव पे रहेंगे, वहां से दूसरे भाव को देखेंगे, वहां से छठे भाव को देखेंगे, वहां से भाग्य भाव को देखेंगे। तो दृष्टि तो सब बढ़िया है, दूसरे से धन बढ़ रहा है, छठे से शत्रु खत्म हो रहे हैं, नौकरी बेहतर हो रही है, और नवम से विदेश यात्रा हो रही है, भाग्य बढ़ रहा है, बारहवें पे भी रहेंगे। तो इस पर यह भी ध्यान देना होगा, खर्चों पे कंट्रोल रखने की जरूरत है, पढ़ सकते हैं, अनायास हो सकते हैं, उस पर फोकस रखने की जरूरत है। सबसे पहले बात कैरियर और व्यवसाय की, कैरियर व्यवसाय में तरक्की के संकेत, कैरियर व्यवसाय में लाभ के संकेत, कैरियर व्यवसाय में नए मुकाम, नई ऊंचाई छूने के संकेत दिख रहे हैं। तरक्की के संकेत, विदेशों से शुभ समाचार के संकेत। धन के मामलों में धन आसानी से बढ़ता रहेगा, वाणी पर बस कंट्रोल रखिएगा, धन की कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, धन में काफी अच्छी स्थिति आने वाले सालों में दिख रही है। पारिवारिक जीवन बहुत खुशहाल रहेगा, बेहतर रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, पति पत्नी के बीच अगर कोई मतभेद है खत्म होंगे, प्रेमी प्रेमिका के बीच कोई मतभेद है खत्म, लेकिन पिता से छोटी मोटी अनबन हो सकती है। अब बात आपके स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य बेहतर, अच्छी दिनचर्या का पालन करिए, किसी भी तरह के एडिक्शन व्यसन से दूर रहिए, एक्सरसाइज प्राणायाम मेडिटेशन योगा सब बेहतर रहेगा, अच्छी फूड हैबिट का भी प्रयोग करिएगा, नहीं तो डाइजेशन प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सर्वाइकल प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। उसके लिए उपाय लेकर आ रहे हैं चारों राशि के, सबसे पहले धनु राशि के, ओम प्राम प्रीम प्रोम शा शनिश्चराय नमः, शनिवार के दिन पांच माला का जाप करना है। मकर राशि वालों, एक पात्र में जल दूध चीनी काला तिल गंगा जल भरकर रख लें, इसके बाद पश्चिम दिशा की मुंह करके पीपल के जड़ को अर्पित कर लें। कुंभ राशि वालों भैया, शनि के दिन उड़द की दाल से बनी पंजीरी गरीबों में बांटें। मीन राशि वालों भाई, केले का सेवन करिए, मददगार रहेगा, उसी के साथ साथ शनिवार को सरसों का तेल भैंस और काली गाय को कुछ खिला दें, लाभ मिलेगा। तो ये था शनिदेव का राशि परिवर्तन पर आपकी राशि का हाल चाल। आज के दीजिए मुझे इजाजत, शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।